बिहार की राजनीति में 5 जुलाई का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 3 साल बाद राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर समारोह को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान आज अपने पिता रामविलास पासवान की जयंती पर आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं। पर इन सबके बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी ये दिन बहुत खास माना जा रहा है। अब नीतीश कुमार के लिए आज का दिन क्यों है खास, ये बताएंगे हम आपको अपने इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं रुचि पांडे, राजनीति दरबार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज लोक जनशक्ति पार्टी के दो फाड़ होने के बाद चिराग पासवान रामविलास पासवान जी की जयंती पर आशीर्वाद यात्रा निकालकर जन समर्थन जुटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ दिलचस्प बात तो यह है कि RJD भी चिराग को अपने पाले में करने के लिए रामविलास पासवान की जयंती मना रहे हैं। बिहार के राजनीतिक आंगन में दबी आवाज में इस बात की भी सुगबुगाहट तेज है कि चिराग यह आशीर्वाद यात्रा BJP के कहने पर कर रहे हैं, क्योंकि LJP की टूट पर अब तक चुप्पी साधे बैठी BJP ने अब चिराग के लिए भावी रणनीति तय करने का मन बना लिया है। आज RJD के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि लंबे समय से चारा घोटाला मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव जेल की सजा काट कर बाहर आए हैं। तब से लेकर अब तक ऐसा पहली बार होगा जब लालू किसी समारोह को संबोधित करेंगे। हालांकि ये संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, क्योंकि लालू प्रसाद अभी अस्वस्थ हैं और वे दिल्ली से बिहार की यात्रा फिलहाल नहीं कर सकते। जेल से लंबे समय बाद रिहा होने के बाद अब RJD को बल मिलना तय है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भले ही लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे हों, पर अभी भी उनकी नीतियां सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों पर ही आधारित है। आज RJD बिहार में बढ़ती महंगाई और खराब होते माहौल के खिलाफ लड़ाई का आगाज करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जंग आगे भी जारी रहेगी। RJD बिहार की राजनीति में अपने ठंडे पड़े दावों को भी अब आक्रामक स्वरूप देने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरी तरफ LJP के लिए भी 5 जुलाई का दिन बेहद अहम है। दो फाड़ हो चुकी पार्टी पर चिराग पासवान की पकड़ कितनी गहरी है, ये 5 जुलाई को उनकी आशीर्वाद यात्रा से साफ हो जाएगा। अब चिराग इतना कुछ कर रहे हैं तो पशुपति पारस कैसे पीछे रह सकते थे। वे भी पटना में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए बड़ा आयोजन करने की पूरी तैयारी में जुटे हैं। अगर चिराग BJP का समर्थन प्राप्त करते हैं तो ये तय है कि NDA में बड़ी उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि ये चिराग ही हैं जिन्होंने NDA में रहते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का विरोध कर पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेलने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में अगर BJP ने चिराग को समर्थन दिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे कहां तक बर्दाश्त कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उधर BJP का समर्थन नहीं मिलने पर चिराग अकेले रहने या महागठबंधन का बुलावा स्वीकार करने का फैसला ले सकते हैं। अगर आज की आशीर्वाद यात्रा में BJP के मन मुताबिक जन समर्थन जुटा लेते हैं तो BJP चिराग को समर्थन देती है, लेकिन अगर BJP चिराग को समर्थन देगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति की आगे की दिशा तय करने में 5 जुलाई की बड़ी भूमिका होगी, ये तो तय ही लग रहा है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और बिहार की राजनीति को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है ये भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अन्य राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए राजनीति दरबार। धन्यवाद।